पहले वो बताया कि पार्टी में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भारत जोड़ो और उसके बाद फिर हाथ से हाथ जोड़ो, इसे बखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी को, इसकी क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। और कोई सवाल हो तो बताएं, जल्दी जाना मुझे। कोई सवाल? देखिए, उसमें जयराम रमेश जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उसका बयान आ चुका है, उसके बाद तो बोलने कुछ मतलब नहीं। जो राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता हैं उसका बयान आ चुका है, और इसके बाद हम लोगों को बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते, हम दो गुना, चार साल में दो गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उनके धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रविन्द्र चौबे जी उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था, और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया, किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया, धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो कृषि उनके समय में, क्योंकि किसान विरोधी हैं और इस कारण से कृषि के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, कृषकों के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, इस कारण से कृषि सिमट रहा था, कृषि जोर, और किसान हैं वो परेशान थे, आत्महत्या कर रहे थे। हमारे शासनकाल में तो उत्पादन भी दुगुना हो गया, किसानों की संख्या भी लगभग दुगुना हो गया, कृषि जोत भी डेढ़ गुना बढ़ा है। तो हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और अन्नदाता हमारे प्रसन्न है। ठीक है, उसके पास तो और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना, भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे, और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में, तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये इसी में मास्टरी है इनकी, और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहाँ फिर से पैर पसारे हैं, पांव पसारे हैं, ये उनका ये है, और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, 24 का एजेंडा।